हेलो, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ। ये बालों के लिए है ये वीडियो, और इसका मेन मोटिव ये है कि जिन लोगों को अपने बाल घने करने हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी बनाने हैं और बहुत ही लंबे करने हैं। मैं आपको बता दूँ कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और कमर से नीचे आते हैं मेरे बाल। अगर मैं खोल लूँ, आगे से कटे हुए हैं, बट मेरा एक ही बालों का तरीका है कि मैं हर हफ्ते मेहंदी लगाती हूँ और लोहे के बाउल में लगाती हूँ। क्या क्या डालती हूँ, क्या नहीं डालती हूँ, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और आपको पता है, मैं हर हफ्ते अपने बाल ट्रिम कर देती हूँ। एक एक उंगल, मतलब 4 या 5 इंच बाल मैं अपने हर हफ्ते काट देती हूँ और वो हर हफ्ते बढ़ जाते हैं। और ग्रोथ, मेरे बाल घने हैं, लंबे हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है, थिकनेस है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने बाल कभी कंघी नहीं करती और मेरे बाल, टच वुड, कभी इलझते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप यकीन नहीं करोगे शायद, मुझे बालों में कॉम्ब किए हुए आई थिंक 1 ईयर हो गया है, मतलब सालों से साल निकल जाती हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। और मैं जैसे भी डेली आपके सामने आती हूँ ना, कभी मेरे बाल कॉम्ब नहीं होते हैं, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं जैसे रहती हूँ, हमेशा ऐसे रहती हूँ, मैं कभी कॉम्ब नहीं करती, जस्ट बिकॉज़, क्योंकि मेरे बाल अच्छे हैं और मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाथों से ही कॉम्ब हो जाते हैं, इतने मतलब सॉफ्ट और सिल्की, इतने बड़े बाल, सोचिए बिना कॉम्ब के नहीं रह सकते। इसीलिए तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे पास है लोहे के बाउल में है मेहंदी, ठीक है, ये है मेहंदी, इसमें 100 ग्राम मेहंदी है ये। और मेरे पास है यहाँ पर दही, ठीक है, और मेरे पास है यहाँ पर कॉफ़ी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या डालती हूँ, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती। सबसे पहले मैं दही, पूरा दही नहीं लूँगी मैं, दही कंडीशनिंग करता है बालों के लिए और गर्मी भी पड़ रही है इसीलिए इतना दही इनफ है मेरे लिए। और दही मैं खाती भी बहुत हूँ इसलिए खाना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, मैं दाल बहुत खाती हूँ, मतलब दाल मुझे डेली चाहिए। और 1 स्पून, लिटिल, मतलब हाफ स्पून कह सकते हो आप, हाफ स्पून मुझे कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। इसको मैं नॉर्मल आरओ के पानी इसमें मिलाऊंगी मैं। तो अब मैं इसमें पानी मिला लेती हूँ। मैं इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और पता है, आप अगर हर हफ्ते मेहंदी लगा सकती हैं तो आपको लगाना चाहिए। मेहंदी से बाल, हिना पेस्ट से बाल बहुत अच्छे होते हैं। मेहंदी कोई भी हो, हरी मेहंदी हो, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कितना भी स्पा ले लो, कितने भी पार्लर चले जाओ या कितने भी शैम्पू चेंज कर दो, अगर आप अपने बालों की केयर नहीं करेंगी, मेहंदी वेहंदी नहीं लगाएंगी, तो आपके बाल ग्रोथ नहीं करेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, ठंडियों में अगर आप लगा सकते हैं तो एग डाल लीजिए अपने मेहंदी में, तो आपके बाल और ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में या अगली वीडियोस में या पहली वीडियोस में आप नोटिस करिएगा, क्या आपको मेरे बाल लगते हैं कि मैंने कॉम्ब नहीं किए हैं, या ऐसा लगता है कि मेरे बाल बुरे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, सोचिए मेरे कितने बड़े बाल हैं और मेरे बाल सिर्फ़ और सिर्फ मेहंदी से अच्छे हैं। बहुत लोग पूछते हैं, कहते हैं गॉड गिफ्टेड हैं, तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही है कि मैंने हमेशा से मेहंदी लगाई है और मेहंदी मैं कभी स्किप नहीं करती फ्रेंड्स। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, लड़कियां हैं या जो भी महिलाएं हैं या फीमेल हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग मेहंदी ज़रूर लगाया करें, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। और मेहंदी को ना प्रॉपर लोहे के बाउल में घोलें और ओवरनाइट के लिए इसको आप भिगो करके रख दें, पूरी रात आप इसको भिगो कर रखें। देन आप अगले दिन, आप दिन में लगाना चाहे दिन में लगाएं, बट मेरे ख्याल से आपको ये रात में लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी मैं हमेशा रात में लगाती हूँ, मैं दिन में नहीं लगाती।
और एक चीज़ और, अगर आप रात भर इसको रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी कलर इसमें वैसा नहीं होता। मतलब जिनको कलर चाहिए वो लगा सकते हैं, जिनको कलर नहीं चाहिए वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तरीके का कलर देता है। मतलब आपको कलर भी नहीं चाहिए तो शाइन भी देती है, लाइट कलर भी देती है, और ऐसा लगता ही नहीं कि आपने मतलब कुछ अपने बालों में उल्टा सीधा लगा लिया, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपके अच्छे बाल हो जाएंगे। और मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ, और ये मेरा बन गया है घोल, और मेहंदी का पैक तैयार है। मैं इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दूँगी अभी ये, और बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत पानी की कमी होगी तो मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी मैं इसको कल लगाऊँगी। और अगर आप रात में नहीं लगा सकती हैं तो आप दिन में लगाएं, ऐसा कुछ है नहीं। पर आप जब भी मेहंदी लगाएं ना, आप इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रख दें, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आप नोटिस करिएगा मेरे बालों को, मेरे बाल अच्छे हैं। तो मैं सिर्फ क्रेडिट जाता है मेहंदी को, क्योंकि मेहंदी से मेरे बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा बस यही था कि आप लोगों को अगर अपने बाल अच्छे करने हैं, लंबे करने हैं, घने करने हैं, और देखिए मेरे बालों में कभी डैंड्रफ नहीं होता। सर्दियों में थोड़ा बहुत हो जाता है कैप वैप लगाने की वजह से, बट साल से साल कभी डैंड्रफ नहीं होता, कभी जुआ वाली दिक्कत नहीं होती, कभी भी लीस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी ऐसा मतलब गर्मी में पसीना आता है, लेकिन मैं हर हफ्ते 3 हफ्ते में 3 बार गर्मियों में मैं धुल लेती हूँ, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। और हेयर फॉल बहुत कम होता है मेहंदी लगाते रहने से। तो इसीलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा फॉर्मूला है कि मैं हर हफ्ते मेहंदी लगाती हूँ और बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो आप भी ट्राई करें, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर अंशु, एंड आई होप मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।